हेलो गाइस, दिस इज चेतन वर्मा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सीएसपी इंस्टीट्यूट। सो आज की वीडियो का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू थॉमसन सैम्पलिंग रिइंफोर्समेंट लर्निंग के अंडर में। सो वी नो दैट रिइंफोर्समेंट लर्निंग इज अ ब्रांच ऑफ मशीन लर्निंग, ऑल्सो कॉल्ड ऑनलाइन लर्निंग। आरएल को हम ऑनलाइन लर्निंग भी बोलते हैं। ऑनलाइन लर्निंग क्यों बोलते हैं, इसका कारण मैं बता चुका हूँ। क्यों? क्योंकि इसके अंदर है ना, अपन पहले से डेटा नहीं देते हैं। ये अपना ट्रेनिंग जो है वो उसी दौरान सीखता रहता है, जैसे जैसे वो स्टेट्स लेता है ऐसे वैसे ही वो सीखता रहता है, इसीलिए इसको ऑनलाइन लर्निंग भी बोलते हैं। ठीक है, सो इट इज यूज टू डिसाइड व्हाट एक्शन टू टेक एट टी प्लस वन बेस्ड ऑन डेटा अप टू टाइम टी। ठीक है, एट टाइम T+1 व्हाट एक्शन नीड टू परफॉर्म। दिस कॉन्सेप्ट इज यूज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एप्लीकेशन सच एज वॉकिंग। वॉक करते हैं ना, तो कौन कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है, तो उसके अंदर भी, और यही चीज अपन यहाँ पर भी यूज करते हैं। अ पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ आरएल इज चेस इंजन, चेस का जो गेम बना लिया। हियर द एजेंट डिसाइड्स अपॉन अ सीरीज ऑफ मूव्स डिपेंडिंग ऑन द स्टेट ऑफ बोर्ड। जो स्टेट है, अब किस तरीके की स्टेट है भाई, बोर्ड की जो स्टेट है, करंट स्टेट है, उसके आधार पे वो सीरीज ऑफ स्टेप्स बना लेगा कि ये ऐसे नहीं तो ऐसे। वो मतलब एंटिसिपेट करता रहेगा आगे से आगे, आगे से आगे। मान ले कि सामने वाले ने कोई और स्टेप चल दिया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अपने सीरीज ऑफ स्टेप्स को ध्यान में रखेगा कि अगर ये वाला चलेगा तो ऐसे करूंगा, ऐसे करेगा तो ऐसे करूंगा, उसमें से बेस्ट अवार्ड लेके आएगा किसके आधार पे, सॉरी बेस्ट रिवॉर्ड लेके आएगा किसके आधार पे, विन और लूज कंडीशन एट द एंड ऑफ द गेम, जिसमें वो विन कर रहा है या लूज कर रहा है, तो उस हिसाब से वो हर एक एक्शन के ऊपर रिवॉर्ड लेके आएगा। ठीक है, तो मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहता हूँ ये। ठीक है, सो थॉमसन सैम्पलिंग क्या है ना, देख अपन क्या करते हैं कि एक एल्गोरिदम है, वो हमें मॉडल देता, ठीक है, एक्स, और हम उससे ऑप्टिमाइजर बनाते हैं और एजेंट को देते हैं। एजेंट ऑब्जर्वेशन के आधार पे हमें रिवॉर्ड मिलते हैं, रिवॉर्ड, तो यही साइकिल चलती रहती है। ठीक है, सो थॉमसन सैम्पलिंग क्या है, ये एक एल्गोरिदम है फॉर चूजिंग द एक्शन दैट एड्रेसेस द एक्सप्लोरेशन या फिर एक्सप्लोरिटेशंस डायलमा इन द मल्टी आर्म्ड बैंडेड प्रॉब्लम। मैं लिख देता हूँ, ये जो मल्टी आर्म्ड बैंडेड बैंडेड डाकू होते हैं ना, उस प्रॉब्लम में ये है। सो ये एड्रेस करती है एक एक्सप्लोरेशन या फिर एक्सप्लोइटेशन डायलेमा को। ठीक है, किसके अंदर, मल्टी आर्म बैंडेड प्रॉब्लम के अंदर। ठीक है, सो अगेन थॉमसन सैम्पलिंग बोल सकता हूँ, या तो मैं इसको प्रोबेबिलिटी मैचिंग बोल सकता हूँ, या पोस्टीरियर सैम्पलिंग बोल सकता हूँ। ये एक एल्गोरिदम है जिसके आधार पे हम एक्शंस को चूज करते हैं, जो जो मतलब एड्रेस करते हैं इस डायलेमा को, किसके अंदर, मल्टी आर्म्ड बैंडेड प्रॉब्लम के अंदर। इट यूजेस ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन दैट इवेल्युएट्स द एक्शन टेकन रादर देन इंस्ट्रक्ट्स बाय गिविंग करेक्ट एक्शंस। ये यूज करता है ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन को, जो इवेल्युएट करता है उसके एक्शंस को जो कि वो लेता है, किसके वजह कि जो इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं बाय गिविंग करेक्ट एक्शंस, हम करेक्ट एक्शंस जो उसको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसके बजाय वो ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन को यूज करता है। ठीक है, अब है दिस इज व्हाट क्रिएट्स द नीड फॉर एक्टिव एक्सप्लोरेशन फॉर एन एक्सप्लिसिट ट्रायल एंड एरर सर्च फॉर गुड बिहेवियर बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ दोज एक्शंस रिवॉर्ड्स और पेनल्टीज। रिवॉर्ड्स मीन्स जीरो, वी आर टेकिंग रिवॉर्ड्स, सो दिस इज इक्वल टू वन, एंड पेनल्टी विल बी जीरो, आर गिवन फॉर दैट एक्शन टू द मशीन। फर्दर एक्शन आर परफॉर्म्ड इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द रिवॉर्ड दैट मे इम्प्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंस।
Suppose a robot has a peak several cans and put them in a container. Each time it puts the can to the container, it can memorize the step followed and train itself to perform the task with better speed and precision. That will be give it reward. If robot is not able to put the can in the container, it will not memorize that particular procedure. Hence, speed and performance will not improve, and it will be considered as a penalty. So Thomson sampling जो है has the advantage of tendency to decrease the surge as we get more and more information, जो कि मिमिक करता है the desired trade off in the problem. जो desired trade off है प्रॉब्लम के अंदर उसे वो मिमिक करता है. वेयर वी वॉन्ट एज मच इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल इन फ्यूअर सर्चेस, हमें एक अच्छी इंफॉर्मेशन चाहिए कम से कम सर्चेज में. दिस एल्गोरिदम हैज अ टेंडेंसी टू बी मोर सर्च ओरिएंटेड व्हेन वी हैव फ्यूअर डेटा एंड लेस सर्च ओरिएंटेड व्हेन वी हैव अ लॉट ऑफ डेटा. ओके सो वी हैव मल्टी आर्म्ड बैंडेड प्रॉब्लम. ओके सो इन दैट प्रॉब्लम मल्टी आर्म्ड बैंडेड प्रॉब्लम इज अ सिनोनिम्स विद अ स्लॉट मशीन, सिनोनिम ऑफ अ स्लॉट मशीन विच हैज मैनी आर्म्स. स्लॉट मशीन पता है आपको? एक सेकेंड आपको दिखाता हूँ स्लॉट मशीन क्या होता है. ठीक है, ये हमारी होगी स्लॉट मशीन. सो यहाँ पर आपके पास है मल्टीपल आर्म्स है, ठीक है, मान लीजिए. सो उस प्रॉब्लम को मिमिक करने के लिए हमारे पास में ये हो गया. सो ईच एक्शन सेलेक्ट्स इज लाइक अ प्ले ऑफ वन ऑफ द स्लॉट मशीन्स लीवर एंड द रिवॉर्ड्स आर द पे ऑफ्स फॉर हिटिंग द जैकपॉट. मतलब हर एक के अंदर हम इस लीवर को खींचेंगे और उस आधार पे अपने को जैकपॉट लगेगा. देखो जैकपॉट लगता है ना, अपन लीवर खींचते हैं और हमें जैकपॉट लगता है वो वाली, उसी को अपन स्लॉट मशीन भी बोलते हैं. सो थ्रू रिपीटेड एक्शन सिलेक्शंस यू आर टू मैक्सिमाइज योर विनिंग्स बाय कंसंट्रेटिंग योर एक्शंस ऑन द बेस्ट लीवर. मतलब आप रिपीटली जो एक्शन सिलेक्शन करोगे, सो आपको अगर मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना है आपकी विनिंग को, तो आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा आपके एक्शंस को ऑन बिहाफ ऑफ बेस्ट लीवर्स. ईच मशीन प्रोवाइड्स अ डिफरेंट रिवॉर्ड फ्रॉम अ प्रोबेबिलिटी. हर एक जो मशीन है वो प्रोवाइड करती है एक डिफरेंट रिवॉर्ड को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से. ओवर द मीन रिवॉर्ड स्पेसिफिक टू अ मशीन, जो भी मेन अवार्ड रिवॉर्ड स्पेसिफाई है उस मशीन के लिए उससे. विदाउट नोइंग दिस प्रोबेबिलिटी द गैम्बलर हैज टू मैक्सिमाइज द सम ऑफ रिवॉर्ड अर्न थ्रू अ सीक्वेंस ऑफ आर्म पुल्स. इफ यू मेंटेन एस्टिमेट्स ऑफ एक्शन वैल्यूज देन एट एनी टाइम स्टेप देर इज एटलीस्ट वन एक्शन हुज एस्टिमेटेड वैल्यू इज ग्रेटेस्ट. वी कॉल दिस एज एन ग्रीडी एक्शन. जो ग्रीडी एल्गोरिदम होती है उसी को हम ग्रीडी एक्शन भी बोलते हैं, ठीक है. द एनालॉजी टू दिस प्रॉब्लम कैन एडवर्टाइजमेंट्स डिस्प्लेड वेन एवर द यूजर विजिट्स अ वेबसाइट वेब पेज. आर्म्स आर एड्स डिस्प्लेड टू द यूजर्स ईच टाइम दे कनेक्ट टू अ वेब पेज. ईच टाइम अ यूजर कनेक्ट टू अ पेज मेक्स मेक्स अराउंड एट ईच राउंड We choose one ad to display to the user. At each round n, the number of rounds are n, ad I gives one gives reward RIN which belongs to 0 or 1. It may be 0 or penalty or wo. So if RIN, koi bhi reward ke liye, reward can be penalty and reward whatever.
ये जो RI हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है, आपको पेनल्टी मिल सकती है, वन भी मिल सकता है एज ए रिवॉर्ड, ठीक है। इफ द यूजर क्लिक्ड ऑन एड आई एंड जीरो इफ द यूजर डिंट, ओके सो वन तब मिलेगा तब यूजर ने क्लिक किया, अगर जीरो है तो उसने यूजर ने नहीं किया तब उसको जीरो मिलेगा। द गोल ऑफ द एल्गोरिदम विल बी टू मैक्सिमाइज द रिवॉर्ड, उसका ये है कि भाई वो रिवॉर्ड को मैक्सिमाइज कर सके। द अनदर एनालॉजी इज दैट अ डॉक्टर चूजिंग बिटवीन एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट फॉर अ सीरीज ऑफ सीरियसली इल पेशेंट्स, ईच एक्शन सिलेक्शन इज अ ट्रीटमेंट सिलेक्शन एंड ईच रिवॉर्ड इज द सर्वाइवल और वेल बींग ऑफ पेशेंट, जो हर एक टाइम पे उसको मिलेगा, ठीक है। सो और आसानी आसान तरीके से मैं आपको मतलब इसके बारे में समझाने की कोशिश करता हूँ। सो इसके बाद में जो थैम्पल्स जो मतलब थॉमसन सैम्पलिंग है, बस असल में है ना हम इसको बायशियन बैंडिट भी बोलते हैं, बायशियन बैंडिट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये एक प्रोबेबिलिस्टिक एल्गोरिदम है जो कि RL के अंदर यूज होती है, डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स के अंदर भी यूज होती है। सीक्वेंशियल डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटेजी है जो कि बैलेंस करती है एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लोइटेशन, जो भी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं और जो भी एक्सप्लोइटेशन हो रहा है उसकी एक सिक्वेंशियल डिसीजन मेकिंग जो स्ट्रेटेजी है उसको ये बैलेंस करती है, कितने बार आपका एक्सप्लोर किया आपने और कितनी बार आपका एक्सप्लोइटेशन हुआ, किसके आधार पर, बाय यूजिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो एल्गोरिदम होती है वो मेंटेन करती है एक बिलीफ या एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसके ऊपर, ओवर दी अननोन ट्रू रिवॉर्ड जो डिस्ट्रीब्यूशन है जो हर एक एक्शन के ऊपर से एसोसिएटेड है, जो हमें पता नहीं है यार कि इसको करने से ये रिवॉर्ड मिलेगा अपना को या इसको करने से ये रिवॉर्ड मिलेगा, ये एक बिलीफ मेंटेन करता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मेंटेन करता है इस अननोन रिवॉर्ड सिस्टम के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। हर एक स्टेप के अंदर ये एक सैंपल करता है एक सेट ऑफ पैरामीटर्स को, ये सैंपल करता है सेट ऑफ पैरामीटर्स को, ठीक है। इस डिस्ट्रीब्यूशन से, इस पर्टिकुलर जो डिस्ट्रीब्यूशन आया है, जो बिलीफ सिस्टम जो मतलब मैंने बताया या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आया, उससे इसने क्या किया, एक सैंपल डिटरमाइन किया एंड देन सेलेक्ट द एक्शन विद द हाइएस्ट सैंपल्ड वैल्यू, इसमें से जो भी हाइएस्ट सैंपल्ड वैल्यू आएगी उसके आधार पे वो एक एक्शन सेलेक्ट करेगा कि भाई साहब अच्छा इस पर्टिकुलर सैंपल की वैल्यू हाइएस्ट है तो इसके आधार पे उसने एक वैल्यू सेलेक्ट कर ली, ठीक है। समझो यार, हर एक स्टेप के ऊपर ये सैंपल करता है एक सेट ऑफ पैरामीटर्स को, ठीक है, इन डिस्ट्रीब्यूशन से। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन, जो रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, जो अननोन ट्रू रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, हर एक एक्शन से एसोसिएटेड होता है कि भाई साहब अगर आप ये एक्शन लेते हो तो आपको इतना रिवॉर्ड मिलेगा, ये एक्शन लेते हो तो इतना रिवॉर्ड मिलेगा, ये एक्शन लेते हो तो इतना रिवॉर्ड मिलेगा। तो रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, इसने एक सैंपल बना लिया उसके ऊपर, एक पॉपुलेशन से सैंपलिंग कर ली उसकी, ठीक है, और उसके अंदर से उसने मैक्सिमम जो हाइएस्ट सैंपल्ड वैल्यू है वो ले ली और उससे एसोसिएटेड हमने एक्शन को परफॉर्म कर दिया। द एक्शन सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट द एक्शन विद द हाइएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग द ऑप्टिमल एक्शन विल हैव द हाइएस्ट एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड, जो भी एक्शन वो लेगा उससे एसोसिएटेड उसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होगी और उससे हम ये जान पाएंगे कि भैया इससे हमें हाईएस्ट रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। तो जो की आइडिया है इसके बिहाइंड, थॉमसन सैम्पलिंग के बिहाइंड, वो ये है कि इज टू अपडेट द बिलीफ और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन ऑब्जर्व्ड रिवॉर्ड, जो भी हमने ऑब्जर्व किए रिवॉर्ड्स को उसके आधार पे हम हर बार प्रोबेबिलिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम अपडेट कर रहे हैं। भाई मान लीजिए कि आपका जो भी आपने अभी तक रिवॉर्ड देखे हैं, मान लीजिए हमने ये देखा कि हमारे पास में ये चार गेट है ना, एक पहला गेट ये, दूसरा गेट ये, तीसरा गेट ये, चौथा गेट ये, पांचवा गेट ये। तो हमने देखा कि यार गेट नंबर 1 2 3 4 5 पहली बार मैंने दबाया तो 2 से मेरे को चॉकलेट मिली, ठीक है, मेरे को चॉकलेट 2 से मिली, मैंने सारे गेट दबाए लेकिन चॉकलेट मेरे को 2 दबाने से मिली, फिर मैंने दूसरी बार 4 दबाने से चॉकलेट मिली, फिर तीसरी बार मेरे को वापस 2 से दबाने पर मिली। तो अब मैं ये देख रहा हूं कि भैया हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी कहां पर है चॉकलेट मिलने की,
टू और फोर के ऊपर, ठीक है, इस तरीके से वो एसोसिएट करता है चीजों को, ठीक है। सो एज मोर डेटा इज कलेक्टेड, जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा डेटा कलेक्टेड होता जाएगा, टू फोर, देख अभी तक तो हम कम ही है कि यार यहाँ पर इनके अंदर प्रोबेबिलिटी कम हो सकती है, यहाँ पर थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि टू और फोर दबाने पर पहली सीक्वेंस में, दूसरी सीक्वेंस में मान लीजिए हमें फाइव भी आ गया, तो इनकी होने की प्रोबेबिलिटी और कम होगी ना टू और फाइव की। अब टू फोर और फाइव हमारे पास में एक साथ आएगा, ठीक है। तो ऐसे जैसे जैसे डेटा बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे जो एल्गोरिदम रिफाइन करती जाएगी उसकी बिलीफ सिस्टम को, कि किसके आधार पे किस जगह पर हमें ट्रू रिवॉर्ड सिस्टम मिल रहा है, ट्रू रिवॉर्ड हमें किस को चूज करने से मिल रहा है, वो उसका बिलीफ सिस्टम ज्यादा बढ़ता जाएगा, और जो उसको अलाउ करेगा कि वो इंफॉर्म डिसीजन बनाए। अब पहले में तो क्या कर रहा है कि वो ऐसे ही रेंडमली चूज कर रहा है, ठीक है, और उसके आधार पे उसको कुछ रिवॉर्ड मिल रहे हैं। फिर वो अब 5-6 बार होने के बाद में, मान लीजिए हमारे पास में टू और फोर को दबाने से हमें ज्यादा ज्यादा चॉकलेट मिल रही थी, तो हमने अब हमारे डिसीजन को ज्यादा वो कर लिया, इसकी प्रोबेबिलिटी हमने देख ली कि हाँ भाई टू और फोर को दबाने से प्रोबेबिलिटी है 0.9%, मतलब 0.9 हमें ये प्रोबेबिलिटी है इसकी कि हमें चॉकलेट मिलेगी यहाँ पर, तो हम इसको और इन्फॉर्म डिसीजन में चेंज कर देंगे। थॉमसन सैम्पलिंग हैज बीन शोन टू बी इफेक्टिव इन एड्रेसिंग द एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लोइटेशन डायलमा, जो कि मैंने बात की थी स्लॉट मशीन की, जो कि एग्जाम्पल है मल्टी आर्म डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम का भी। सो जहां पर वेयर एन एजेंट नीड्स टू डिसाइड विच एक्शन टू टेक इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द कम्युलेटिव रिवॉर्ड ओवर टाइम, कि कौन सा डिसीजन या कौन सा एक्शन मैं लू जिससे कि मैं मैक्सिमाइज कर सकूं रिवॉर्ड सिस्टम को। बाय सैम्पलिंग फ्रॉम दी पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवॉर्ड, थॉमसन सैम्पलिंग नेचुरली एक्सप्लोर्स डिफरेंट एक्शंस व्हाइल आल्सो एक्सप्लॉइटिंग दी एक्शंस दैट आर एक्सपेक्टेड टू हैव हायर रिवॉर्ड्स, ठीक है। सो एल्गोरिदम इज बेस्ड ऑन बायशियन इन्फ्रेंस प्रिंसिपल, अगेन बायशियन प्रोबेबिलिटी के ऊपर ये डिपेंड करता है, एंड इज वेल सुटेड फॉर सिचुएशंस वेयर अनसर्टेनिटी अबाउट द अंडरलाइंग रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन इज प्रेजेंट। इट हैज बीन सक्सेसफुली अप्लाइड इन वेरियस डोमेन्स इंक्लूडिंग ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, जो मैंने आपको बताया था उसका एग्जाम्पल किस तरीके से वो काम करता है, क्लिनिकल ट्रायल्स उसके बारे में भी हमने बता दिया, और रिकमेंडेशन सिस्टम्स। रिकमेंडेशन सिस्टम की मैं बात करूं तो भाई साहब आप ये जो आपका होता है इस नेटफ्लिक्स वगैरह के अंदर, उसके अंदर आप देख सकते हो, तो वो हो गया, ठीक है। मैं नेटफ्लिक्स का आपको एग्जाम्पल दूंगा, पहले तो मैं आपको एल्गोरिदम बता देता हूँ कि अपन क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एट ईच टाइम स्टेप स्टेप टी, टी क्या हो सकता है, 1 2 3 अप टू टी, पुल्स वन आर्म आउट ऑफ एन आर्म्स, हर एक टाइम स्टैम्प के अंदर हम क्या करेंगे, एक आर्म को हम पुल करेंगे, आउट ऑफ एन आर्म्स है उनमें से एक आर्म को हम सेलेक्ट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, फॉर ईच आर्म आई, फॉर ईच आर्म आई रिवॉर्ड इज जनरेटेड फ्रॉम अ फिक्स्ड बट अननोन डिस्ट्रीब्यूशन सपोर्ट, इसके आधार पे एक रिवॉर्ड सिस्टम जनरेट होगा 0 और 1, ठीक है। सो हर एक जगह पर यहां पर एक अननोन डिस्ट्रीब्यूटिंग सपोर्ट है, उसके आधार पे एक रिवॉर्ड सिस्टम जनरेट होगा, ठीक है। मीन मैं बोल देता हूँ यूआई, हम इसका मीन लेते रहेंगे, ठीक है। फिर आवर गोल इज टू मैक्सिमाइज द रिवॉर्ड, हमारा गोल क्या है, आवर गोल इज टू मैक्सिमाइज द रिवॉर्ड, ठीक है, रिवॉर्ड को मैक्सिमाइज करना हमारा गोल है। ऑप्टिमल आर्म क्या होगी, वो आर्म जिसमें अपनों को बेस्ट बेस्ट वो मिल रहा है, मैक्सिमम रिवॉर्ड मिल रहा है, ठीक है। सो आई जो भी है जिसके अंदर आर्ग्यूमेंट आ रहा है, मैक्सिमम हमें वो मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है, ठीक है, मैक्सिमम यू ये एक रिवॉर्ड मिल रहा है, कुछ इस तरीके से हम समझ सकते हैं। फिर अपनों को रिग्रेट कहाँ पर होगा, लॉस सफर्ड बाय नॉट पुलिंग दी ऑप्टिमल आर्म, वो लॉस जहां पर वो सफर कर रहा है, ठीक है, बाय नॉट
द ऑप्टिमल आर्म, उस पे हमें रिग्रेट होगा, ऑप्टिमल आर्म। ठीक है, अब ऑप्टिमल आर्म इज द आर्म विद एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड। ऑप्टिमल आर्म वो आर्म है जहां पर एक्सपेक्टेड जो रिवॉर्ड है, एक्सपेक्टेड जो रिवॉर्ड है, इट विल बी मैक्स। जितनी भी आई है उनमें से कौन सा यू आई मैक्सिमम है। ठीक है, फिर हमें एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड मिल गया, एक्सपेक्टेड रिग्रेट क्या हो जाएगा? रिग्रेट हो गया अपने पास में फॉर पुलिंग अनदर आर्म, दूसरी आर्म को हमने पुल कर दिया। ठीक है, इसका हो गया रेट ऑफ चेंज यू, जो एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड है उसमें से हम माइनस कर दिए सारे जो कि जहां पर हमारा ऑप्टिमल आर्म नहीं है, जो भी है ना, और वो रिग्रेट हो जाएगा बेसिकली एक तरीके से। इसको मैंने क्या कर दिया, ये एब्सोल्यूट निकाल दिया, क्योंकि पूरे में से टोटल में से हमने ये माइनस कर दिया तो माइनस में आएगा, और उसको मैंने एब्सोल्यूट कर दिया इसका। देन लेट आर्म वॉट एवर आई वॉज पुल्ड, दैट आई वॉज पुल्ड, ओके, दैट के आई विच टेक्स टी टाइम्स इन टाइम टी। ओके, सो एक्सपेक्टेड रिग्रेट इन एनी टाइम टी, कोई भी टाइम पे जितने एक्सपेक्टेड रिग्रेट होंगे हमें होंगे समेशन ऑफ हो जाए हमारे पास में, आई से स्टार्ट करेंगे जितने भी आई तक जा रहे हैं, डेल्टा आई और एक्सपेक्टेशन ऑफ के आई टी। ओके, उसका एक्सपेक्टेशन निकाल लेंगे। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आया। इसकी जो एप्लीकेशंस है, जैसे कि मैंने बता ही दिया, रिकमेंडेशन सिस्टम, तो नेटफ्लिक्स हो गया, और फिर बाद में बाइंडिंग एंड स्टॉक एक्सचेंज, सो प्रेडिक्टिंग स्टॉक्स बेस्ड ऑन करेंट डेटा ऑफ स्टॉक प्राइस, तो ये किसके ऊपर, थॉमसन सैम्पलिंग के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो आप थॉमसन सैम्पलिंग जैसे ही याद आए ना आपको, तो आप ये देख लो, एक्सप्लोर एंड एक्सप्लोइटेशन, एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लोइटेशन बेस्ड प्रॉब्लम के अंदर ये काम में आता है, सीधा सा इसी डायग्रामा में काम करता है, जो कि आपका मल्टी आर्म्ड प्रॉब्लम है। मल्टी आर्म्ड मतलब कि आपके पास में मल्टी आर्म्स है और आपको उनमें से कोई एक चूज करना है। ठीक है, फिर हो गया ट्रैफिक लाइट कंट्रोल, जहाँ पर आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं डिले इन सिग्नल्स। ठीक है, कितना डिले करना है सिग्नल्स में, तो ट्रैफिक लाइट कंट्रोल। और फिर ऑटोमेशन इन इंडस्ट्री, रोबोटिक्स हो गया, गेम्स हो गया, गेम ए आई गेम हो गई, एनएलपी हो गया, एनएलपी के अंदर भी काम में आता है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट, कौन सा एडवर्टाइजमेंट इसको दूं तो ये भाई साहब चूज करेगा इसको। ठीक है, इस बंदे को कैसा एडवर्टाइजमेंट दिखाऊं मैं। फिर फाइनेंस, फाइनेंस आर एल इज यूज इन फाइनेंस फॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, फ्रॉड डिटेक्शन एंड रिस्क असेसमेंट, इट इनेबल्स फाइनेंस। ओके, सो जो ओवरऑल थॉमसन सैम्पलिंग है, वो प्रोवाइड करती है एक प्रिंसिपल्ड एंड इफेक्टिव अप्रोच टू बैलेंस एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लोइटेशन इन डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स बाय लिवरेजिंग प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग एंड बायशियन इन्फ्रेंस टेक्निक्स। तो यहाँ पर हम दो चीज़ों को यूज़ करते हैं, एक तो बेशियन इन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस टेक्निक होगी, ये प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग। ठीक है, दो टेक्निक को यूज करके हम ये चीज बनाते हैं। सो आई होप इट हेल्प्स टू यू टू अंडरस्टैंड द थॉमसन सैम्पलिंग। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।